गुड मॉर्निंग, जय श्री चौहान, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, और मैं हूं आपकी प्यारी सी ईवा, और ये आ गया हम लोग का चूहा। हम दोनों मिलकर अभी केक बनाने वाले हैं दोस्तों। सो हम लोग कैसे केक बना रहे हैं आपको हमारे साथ बने रहेंगे तभी ना देखेंगे ना। आप देखिए चूहा एक्सप्रेशन देखिए कैसे हो रहा है, बदमाशी कर रहा है चूहा। हम लोग एक ही केक बनाने वाले हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम है, हम घर काम करें, ज्यादा काम हुआ नहीं फिलहाल। तो देखिए हम लोग चलते हैं केक बनाने के लिए, और आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए क्या सामग्री यूज करके केक बनाने, हम लोग उधर जाएंगे केक बनाने के लिए। सो दोस्तों हम लोग केक बनाएंगे, इसलिए हम लोग एक स्टील का बर्तन ले लिए हैं और स्टील का चम्मच, और एक केक में 6 अंडा लगता है, इसलिए हम लोग के पास 6 अंडा है और 2 कप लिए हैं, क्योंकि एक कप में तेल निकालेंगे और एक कप में जो जो सामग्री चाहिए उसको निकालेंगे। और ये है हम लोग का बेकिंग पाउडर, और ये है एसेंस वनीला का, और यहाँ पे थोड़ा सा क्या पता है काजू, और ये है चेरी, और यहाँ पे शुगर है, ये चीनी है दोस्तों, ग्राइंडिंग करके हम लोग रख दिए हैं चीनी। और यहाँ पे मैदा है दोस्तों, मैदा में केक बनता है सबको पता होगा। और यहाँ पे हम लोग का ये है ओवन, ओवन बोल दी पर क्या है पता है ना, केक बनाने वाला ही है ओवन, मतलब देखिए बहुत टाइप का ओवन रहता है जैसे इलेक्ट्रिक वाला। और ये है हमारे गैस वाला, हम लोग गैस में गैस बनाएंगे केक। और यहाँ है हम लोग का तेल, रिफाइंड का तेल, बस यही सबको मिला के हम लोग बनाने वाले हैं केक। सबसे पहले 6 अंडा को मैं यहाँ पे एक टुकड़ा करके दे रही हूँ, मतलब निकाल दे रही हूँ अंडा को, 6 अंडा को दे दी हूँ यहाँ पे। अभी अच्छा से मिक्स कर देंगे, अंडा को अच्छा से मिक्स कर दिए हैं, बेकिंग सोडा हाफ, मतलब बेकिंग पाउडर हाफ चम्मच देंगे दोस्तों। बेकिंग पाउडर दे दी मैं, अभी थोड़ा एसेंस दे देंगे, ये वनीला है, इसको एक कप देंगे, ये छोटा सा कैप में उधर देखिए, ये है एसेंस, इसको एक कप दे दे रही हूँ मैं। अभी इसको अच्छा से मिक्स कर देंगे, अच्छा से मिक्स कर दे रहे हैं। ये वाला कप में हम लोग 2 हाफ लेंगे, 2.5 कप मतलब कि मैदा ले जाएंगे, एक कप दे दे रही हूँ, फिर और एक हाफ देंगे यहाँ पर, यहाँ पे और एक कप दे दी, 2 कप हो गया, और अभी हाफ देंगे, ये और हाफ हो गया, 2 हाफ हो गया हम लोग का मैदा, मैदा 2 हाफ दी थी, 2.5 कप उसको मिक्स कर दी। अभी देंगे चीनी, यहाँ पे है चीनी हम लोग का, मतलब शुगर, इसको देंगे हम लोग 2 कप या 2 कप हाफ देंगे इसको भी, ठीक है दोस्तों। ये 1 कप शुगर दे दे रही हूँ, और 1 कप दे रही हूँ, फिर 1 कप दे दी थी शुगर, अभी और 1 कप दे दे रही हूँ, और उसका आधा देंगे, 2 हाफ बोली ना शुगर, 2 कप दे दी थी, और ये और आधा, 2.5 कप हो गया चीनी। अभी इसको मिक्स कर देंगे, मिक्स कर दे रहे अच्छा से। अभी इसके बाद हम लोग तेल देंगे, रिफाइंड का तेल 1 हाफ देंगे तेल, ये 1 दे दी और हाफ दे देंगे तेल, दे दिए थे तेल, अभी और 1 हाफ दे दे रहे हैं तेल, मिक्स करो चूहा, चूहा बोलती है। इसको अच्छा से मिक्स करती हूँ मैं दोस्तों, देखिए इसको ऐसे ऐसे करके मिक्स कीजिएगा, या फिर आप होगा तो ग्राइंडिंग कर सकते हैं ग्राइंडर में, पर मैं ग्राइंडर में नहीं करती हूँ, किसको इसका मिक्स और उसका मिक्स अलग आता है, इसलिए मैं ऐसे करके मिक्स करती हूँ। चम्मच रखी हूँ मैं मिक्स, देखिए कितना अच्छा से मिक्स हो गया है हम लोग का। और अभी इसमें थोड़ा सा इलायची दे रही हूँ मैं, इसमें अच्छा आएगा, इलायची हाँ पकड़ो इसको, थोड़ा पकड़िए इलायची को यहाँ पे निकाल दी हूँ, देखिए ये सब इलायची है, और अभी हम लोग इसको यहाँ पर दे देंगे क्योंकि स्मेल अच्छा आएगा हम लोग का केक का, और अच्छा से मिक्स कर देंगे। अभी हम लोग पेस्ट रेडी हो गया, अभी हम लोग इसमें चेरी दे देंगे दोस्तों, चेरी दे दी हूँ, अभी इसको अच्छा से मिक्स कर दे रही हूँ मैं। बाकी केक जब बनाई उसमें से केक में चेरी नहीं दी थी, ऊपर से डाली थी, पर अभी मिक्स करने के टाइम में चेरी दे दे रही हूँ। और अभी हम लोग चलते हैं गैस की तरफ, गैस में बैठा देंगे, इसमें हम केक बनाएंगे दोस्तों। यहाँ पे तेल दे देंगे पहले, उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा दे देंगे, उसको अच्छा से मिक्स करके इसको लेप लगा देंगे। और ये है बालू, अभी गैस ऑन करेंगे और यहाँ पे बैठाएंगे तो पूरा स्लो करके रखेंगे दोस्तों। उसके बाद में जो हम लोग बालू लाए हैं ये वाला चीज़ को यहाँ पे बैठा देंगे अच्छा से, ये बालू थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे जो केक के लिए डालेंगे मिस्टर, मतलब ये जो पेस्ट, मिस्टर बोलिए, मिक्सर बोलिए, कुछ भी बोलिए, हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देंगे थोड़ा सा बोलने में, माइंड मत कीजिएगा दोस्तों, पूरा कम आ देखिए पूरा लो कर दी हूँ मैं, बालू गर्म होगा। इसमें अभी चारों तरफ तेल दे दे रही हूँ मैं, तेल दे दी हूँ, अभी इसको अच्छा से ऐसे करके सब तरफ मसाज कर देंगे, इसमें भी मतलब कि लगा देंगे, ये सब में भी थोड़ा थोड़ा करके लगा देंगे, ये सब में भी साइड में भी लगा देंगे ताकि केक यहाँ पे ना चिपके। तेल को सब तरफ लगा दिया, अभी इसमें हल्का हल्का सा मैदा देंगे, अभी थोड़ा सा मैदा लेके ऐसे चारों तरफ को इसे दे देना है, और इसको भी अच्छा से सब तरफ लगा देना है ताकि केक यहाँ पे ना चिपके। मैदा को भी दे दी थी यहाँ पर अच्छा से पेस्ट कर दी हूँ, अभी वो पेस्ट बनाए थे उसका भी यहाँ पर दे देंगे, यहाँ पर मैं दे दी हूँ पेस्ट को, और अभी थोड़ा सा इधर जिधर यही मिक्स होगा अच्छा से मिक्स हो जाएगा, खिला दीजिए, ऊपर से काजू दे देंगे, अभी मैं काजू दे दे रही हूँ आपको जैसे मन करेगा काजू का डिजाइन बना के बना सकते हैं, चेरी में भी हो गया। अभी हम लोग उसको यहाँ पे ढक्कन लगा देंगे, और हमारा चूल्हा भी ऑलमोस्ट ये मतलब बालू गर्म हो गया, अभी इसके ऊपर ढक्कन लगा के दे देंगे, ढक्कन लगा देंगे, और इसको अभी हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे, अच्छा से बैठा है कि नहीं, नीचे चेक करके देख लीजिएगा, ये वाला जो लेयर है देखिए ये वाला इसके साथ पूरा अच्छा से बैठ जाएगा, तो जान लीजिए आप लोग का ये पूरा सही तरीके से बैठ गया है। अभी हम लोग इसको आधा घंटा तक छोड़ देंगे, आधा घंटा तक उसको पकने देंगे, और यहाँ पे जो होल सब है यहाँ पे ऐसे निकाल निकाल के देखेंगे, एक बार निकाल कर स्टिक लाएंगे, देखिए मैं बाद दिखाऊंगा उसको कैसे देखना, चेक करना पकाए बोल के। मैं तो बता रही थी ये बंबू का है, पतला पतला करके रखे हैं, इसमें ना होल है, इसको ऐसे अंदर घुसा के उसको छू के ऐसे लाते हैं और चेक करते हैं, अगर जहाँ ये वाला जो हम लोग का केक में गया होगा और यहाँ पे स्टिकी लगेगा तो जाइएगा ये नहीं पका है, और यहाँ पे एक भी ऐसे नहीं होगा तो ये पका है। देखिए दोस्तों हम लोग का केक फाइनली बन गया है, उतार दी हूँ मैं, कितना अच्छा दिख रहा है। अब इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर चाकू से थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके इसको निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों हम लोग का केक निकाल ली हूँ मैं, ये बैक साइड है, बैक में ही सारा ये सब चेरी सब आ गया, अभी इसको फ्रंट कर दे रही हूँ। देखिए दोस्तों हम लोग का केक आगे तरफ से भी कितना सुंदर दिख रहा है ना, देखिए और कितना बाउंसी हो रहा है, देखिए ये कितना स्मूथ है केक, कॉटन जैसा है, कॉटन जैसा है, कॉटन जैसा है बोल रहा है चूहा, देखो रे केक को अच्छा लग रहा है।
ठीक है, आपको मेरा तरीका अच्छा लगा होगा केक बनाने का, तो आप लोग जरूर मेरे जैसे बनाइए। और नई है चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। दोस्तों मेरा केक कैसा लगा कमेंट करके जरूर 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 बताइए। बाय 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 बाय।